कृष्णा। तो बच्चों, आज है हमारे इस एमसीक्यू कोर्स का डे 2, और आज भी हमने जो है टॉपिक लिया है रियल नंबर्स का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस पे हम एक और वीडियो बनाएंगे ताकि इस टॉपिक को जो है हम बिल्कुल क्लियर कर पाए। ठीक है भाई? तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो जो डे 1 की थी वो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहली वीडियो को भी आप अच्छे से जरूर देख लें। ठीक है जी? तो शुरू करते हैं आज का ये कोर्स। इसमें सबसे पहला एमसीक्यू है। अगर आपको आंसर पहले से ही पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है जी? तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, ए आपको दे रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे रखा है, और बी में भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे रखा है। बोल रहा है आप इन दोनों नंबर का एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ मैंने क्या बताया आपको, HCF होता है दोनों में जो कॉमन नंबर है और छोटी पावर। तो दोनों में कॉमन नंबर है 2 और 2 की छोटी पावर है 2। 3 कॉमन है, 3 की छोटी पावर है 2। 5 कॉमन है, 5 की छोटी पावर है 1। तो ये होगा इन दोनों नंबर का HCF, और ये ऑप्शन मैच कर रहा है सी के साथ। ठीक है जी? तो इस वीडियो के नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है जी? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। मतलब उनका दो नंबर का जो भी एचसीएफ है उसका अगर मैं 9 गुना कर दूं तो एलसीएम आ रहा है। तो अगर मैं एचसीएफ को एक्स मान लूं तो एलसीएम क्या है, उसका 9 गुना। एचसीएफ अगर एक्स है तो एलसीएम क्या है, 9x। बोल रहा है सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। जब मैंने एचसीएफ और एलसीएम को ऐड करा तो आ रहा है 500। ठीक है भाई? तो बोल रहा है इन दोनों नंबर का एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ है एक्स और एलसीएम है 9x, जोड़कर आ गया 10x। 10 से डिवाइड करूंगा 500 बाय 10, तो x आ गया 50, यानी कि HCF आ गया 50। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 6370 के, इसने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 2 5 7 13 आ रहा है। बोल रहा है फिर से जो इसकी एक्सपोनेंट है उन सबको ऐड करके आंसर बताओ, इसके जो एक्सपोनेंट है। तो पहले मेरे को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं इसको 2 के टेबल से भगाता हूँ तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अब आप इसको 5 के टेबल से भगाओ, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। फिर 7 के टेबल से, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7। फिर 7 के टेबल से 13, अब 13 के टेबल से जाए। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, 2 तो एक ही बार आया, 5 भी एक ही बार आया, 7 दो बार आया, 13 एक बार आया। तो इसके जो एक्सपोनेंट है 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, तो आंसर होगा 2 3 4 5। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो CBSE जो है आपसे ज़रा ज़रा सा क्वेश्चंस में वो दिमाग मांगता है। ये चैप्टर इतना हाई फाई है भी नहीं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं इसके अंदर जो कि आपको करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ध्यान से। तो ये हमारा फैक्टर ट्री, बोल रहा है ए प्लस बी का सम बताओ। ए का है ये रहा, बी का है ये रहा। तो आपको पता होगा इस फैक्टर ट्री में इन दोनों को जोड़कर ऊपर वाला नंबर आता है, सॉरी मल्टीप्लाई करके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3B, जो कि 21 के बराबर होगा। तो बी मिल गया आपको 21 बाय 3, जो कि होगा 7। तो बी तो मुझे मिल गया जो कि 7 है, यहाँ पे 7 लिख देते हैं, 3 7 21। और ए कैसे मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जो कि 42 है। तो ए हो गया 42, इन दोनों को ऐड करूँगा तो आंसर आएगा 49। आगे चलते हैं। बोल रहा है एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा बोल रहा है 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होगा। तो भाई 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है 10 से, और ये एक कंपोजिट नंबर भी है क्योंकि 2 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है।
तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर है 10, तो इसके फैक्टर करूंगा 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो कि 4 होता है, 2 की पावर 2। तो मुझसे पूछ रहा है इनका एलसीएम बताओ। तो एलसीएम क्या होता है, सारे नंबर बड़ी पावर वाले। तो इसमें सारे दो ही तरह के नंबर है, 2 और 5, तो 2 की बड़ी पावर क्या है, 2, 5 की बड़ी पावर क्या है, 1, तो आंसर होगा 4 × 5, तो 20 ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, फिर से एक क्वेश्चन फैक्टर ट्री पर। यहाँ पर भी आपको x और y बताना है, तो फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, 143, और 11 से जब आप डिवाइड करोगे, 143 डिवाइड बाय 11, तो 11 वन ज़ा 11 और 11 3 ज़ा 33, तो y तो 13 है। y 13 कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में है पहले वाले में, तो यही आंसर होगा। लेकिन मैं आपको दूसरा भी निकाल के बता देता हूँ, 143 इंटू एक्स क्या आएगा, 143 इंटू एक्स आपको मिलेगा 1001, डिवाइड कर दो तो ये सीधा 143 जो है 7 के टेबल में ही जाएगा। 143 सेवेंजा होता है 1001, तो ऑप्शन होगा ए। 7 में बोल रहे हैं दो नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600 एंड देयर एच सी एफ इज 5। भाई दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 1600 आ रहा है, तो अगर ए और बी दो नंबर है तो उनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1600, और उनका एच सी एफ भी दे रखा है 5, बोल रहा है एलसीएम बताओ। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, एच सी एफ इंटू एलसीएम क्या होती है, ए क्रॉस बी। तो एच सी एफ है 5, एल सी एम पता नहीं है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 1600, तो एल सी एम आप निकाल सकते हो डिवाइड करके। अगर 5 को डिवाइड में ले जाऊं तो 5 के टेबल में ये कटेगा 320 पर, तो इसका एल सी एम होगा 320। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बोल रहा है इन दोनों नंबर का आपको एच सी एफ बताना है, ठीक है जी। तो आपको पहले 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्या हो गया, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 के टेबल में 72, 2 के टेबल में 36, 2 के टेबल में 18, 2 के टेबल में मर गया है तो एक मिनट, 2 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3, 3 के टेबल में तो 2 आ रहा है 4 बार, 3 आ रहा है 2 बार, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। अब 198 का भी करते हैं, 2 के टेबल में 99, 3 के टेबल में 33, 3 के टेबल में 11 और 11 के टेबल तो 2 आ रहा है 1 बार, 3 आ रहा है 2 बार, 11 आ रहा है 1 बार। तो एच सी एफ निकालना है तो क्या होता है, कॉमन छोटी पावर, कॉमन है 2, 2 की पावर 1, फिर 3, 3 की पावर 2, तो आंसर होगा 2 × 9 = 18, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोल रहा है 225 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिखना है, तो पहले आप 3 से करो, 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा, फिर 3 से करो 25, 3 के टेबल में 75 आएगा जी 15 पर, ठीक है, उसके बाद नहीं 15 पर नहीं 25 पर, फिर 5 के टेबल में तो 3 आया 2 बार, 5 आया 2 बार, तो आंसर क्या होगा, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2। और ये लास्ट क्वेश्चन है, एच सी एफ दे रखा है दो नंबर का 6, एल सी एम बताना है, तो एच सी एफ इंटू एल सी एम क्या होता है, ए क्रॉस बी। एच सी एफ 6 है, एल सी एम निकालना है, दोनों नंबर है 336 और 54, 6 को नीचे ले जा कर के डिवाइड कर दो तो 6 के टेबल में 54 आता है 9 पर, 9 6 ज़ा हो गया 54, 9 3 ज़ा 27 और 5 32, 9 3 ज़ा 27 और 3 3024 आंसर हो। तो उम्मीद करता हूँ ये 10 MCQ आपको समझ में आ गए होंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो कॉन्सेप्ट है उस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे आते हैं, आगे जो वीडियोज़ होंगी वो अलग टॉपिक पर होगी अब, ठीक है जी। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।